नमस्कार, स्वागत है आपका 9 टीवी में और मैं हूं ऋतुपिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बयान इस दौरान उनके जरिए दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि जिस तरह से ये अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर सरकार को हर किसी से बातचीत करनी चाहिए, मिलजुल कर इसका समाधान यहां पर निकालना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से खबरें आई थी कि जीडीपी का जो स्तर है वो नीचे लगातार गिरता चला जा रहा है, मोदी कार्यकाल की अगर बात करें तो जीडीपी जो है वो अब निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसे में विपक्ष हमलावर है, लेकिन मोदी सरकार के लिए यहां पर चिंता है और इसी चिंता को कहीं ना कहीं अब जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उन्होंने यहां पर जाहिर किया है और कहा है कि इस समस्या का हल तभी निकल सकता है जब एक साथ मिलकर हर कोई यहां पर बातचीत करे। तो बदले की जो राजनीति है उससे अलग हटकर सभी को एक साथ मिलकर बातचीत यहां पर करनी होगी और इसको लेकर जो नेतृत्व है वो सरकार को आगे रखना चाहिए। सरकार सामने आए, हर एक किसी से बातचीत करे कि आखिरकार हम इसको ऊंचा उठाने के लिए, इस जीडीपी को ऊंचा करने के लिए किस तरह के प्रयास यहां पर कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक तंज भी कह सकते हैं कि तंज यहां पर कहता है कि जो बदले की राजनीति है उसको इतर रख के सबसे पहले देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में हमें सोचना चाहिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।